बृहस्पतिवार को बॉलीवुड अभिनेता बिंदु दारा सिंह होली मनाने हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखना हमारा फर्ज है, इस फिल्म से हमें सीखना और समझना चाहिए। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए किसी कौम को दोष देना गलत है। उनका कहना है कि थिएटर में लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद थिएटर में कश्मीरी पंडित भावुक भी हो रहे हैं। बिंदु दारा सिंह को कश्मीरी पंडितों की भावुकता भी गलत लग रही है। उनका कहना है कि पहले सब हिंदुस्तान में हिंदू ही थे और हिंदू से ही सिख और मुसलमान हुए हैं। उनका कहना है कि हिंदुइज्म इन इंडिया और हम सब उसी का हिस्सा हैं। एक चीज है जो 30-40 साल पहले हुई थी, तो वो चीज के बारे में तुमने एक फिल्म बनाई है, तो हमारे को हमारा फर्ज बनता है उसे हम देखें, उससे हम सीखें, कुछ समझें। लेकिन किसी को ब्लेम करना उसके लिए आई थिंक बहुत गलत है। जो लोगों ने वो किया 30-40 साल पहले, वो आज कोई भी नहीं है उनमें से, उन्हें पकड़ रहे तो बात अलग है। दूसरों को या कोई कौम को ब्लेम करना बहुत ही जाहिल बात है, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। जब मैं देखता कोई थिएटर में उठ के कोई बात बहुत बुरी बुरी कर रहा है, तो मुझे लगता बहुत गलत है। ये फिल्म बनाई गई है ये चीज़ के लिए कि जो चीज़ हुई थी कश्मीरी पंडित के साथ वो बहुत गलत हुई थी, बहुत गलत हुई थी, और ऐसी चीज़ कभी भी वापस दोहराई नहीं जाती। सर, साहित्य है, फिल्में हैं, ये समाज का दर्पण है, लेकिन जो पिछली बातें हो चुकी हैं उन्हें पर्दे पर दिखाना, नहीं, आपको समझना पड़ेगा। जब हमारा हिंदुस्तान एक देश कितना प्यारा, प्रेम से सब लोग एक दूसरे के साथ रहने वाला देश था, लेकिन यहाँ जात पात था, शुरुआत में सिर्फ हिंदू थे सबके साथ, और जो भी बाकी बने तो आप समझ सकते हो हिंदुओं से ही बने। तो आज वो आप उसे मुसलमान कहो, सिख कहो, ईसाई कहो, जो मर्जी कहो, पर याद रखना कि हिंदुइज्म इज इंडिया और हम सब उसी का हिस्सा है। लेकिन तो हम चाहे कुछ भी बोलें, देश तो धर्म निरपेक्ष है ना सर, रहने का अधिकार तो सबको है, रहने का अधिकार सबको है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। ये फोरेंसिक बहुत ही बढ़िया फिल्म बनेगी है, मुझे लगता है अगले महीने लगेगी। विक्रांत मैसी, राधिका आप्टे, हम लोग सब बहुत दिल से बनी है। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से ये पिक्चर चल रही है आजकल कश्मीर फाइल सब, तो मुझे लगता है ये भी थिएटर में लगनी चाहिए, लेकिन आई थिंक OTT में पहले ये बिक चुकी थी, पर बहुत बढ़िया फिल्म है वो लगेगी। उसके बाद फिर एक और पिक्चर है बाल नारायण करके, ये जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके ऊपर बनी है, बहुत बढ़िया पंजाबी पिक्चर है, 2-3 निर्धार करके कुछ ना कुछ आता रहता है, अभी कुछ टीवी आता है, अभी कुछ आता है, जो भी आता है। साथ ही बिंदु दारा सिंह ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी खुलकर चर्चा की। बिंदु दारा सिंह का कहना है कि वो जल्द ही फिल्म फॉरेंसिक में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके बाद स्वच्छ भारत पर बनी फिल्म बाल नरेन रिलीज होगी। इनके अलावा वे 3 पंजाबी फिल्मों में भी दिखाई देंगे। बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।